हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सीरीज की और हम डिस्कस करेंगे ओमान को। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा अबाउट द कंट्री ऑफ ओमान। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर 9580048004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाइए, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और यहाँ पर सर्च करिए धवन सर एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। ना, ओमान एक ऐसा देश है जो हमेशा आपको न्यूज़ में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा 2018 में इंडिया और ओमान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया था अबाउट द डकम पोर्ट। डकम पोर्ट एक बंदरगाह है ओमान का। ओमान ने कहा कि इंडिया की नेवी के लिए ये पोर्ट ओपन है। बहुत ही बड़ा जियो पोलिटिकल एडवांटेज इससे इंडिया को मिलता है। उसके अलावा ओमान के साथ हमारी नेवल एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज, काफ़ी ज़्यादा डीप एंगेजमेंट है। और रिसेंटली आप अगर देखें तो दिसंबर 2019 में इंडिया और ओमान ने फिर से एक मैरीटाइम कोऑपरेशन का पैक्ट साइन किया है, जिसके रिजल्ट आपको आने वाले एक से दो साल में प्राइमरली 2020 में ही दिख जाएंगे। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा ओमान एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है और इससे हमको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। नाउ, न्यूज़ में रहने का एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि ओमान की जो लोकेशन है उसकी वजह से इंटरनेशनल न्यूज़ में भी ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। आप अगर देखोगे ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज के काफ़ी करीब है। एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हरमूज आपको मिलेगा ओमान और ईरान के बीच में। उसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर है, जहाँ पर लगातार मेजर नेवल एक्सरसाइजेज होती है, या पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करवाता है, या फिर ईरान, या फिर चाइना या रशिया। तो काफ़ी ये एक्टिव जोन है। ना, सबसे पहले मैं चाहूँगा ओमान को मैप में आप अच्छे से एनालाइज करें। सो इंडिया की वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे आपको दिखेगा अरेबियन सी, और अरेबियन सी को क्रॉस करके यहाँ पे आपको दिखेगा ओमान। ओमान ऑफ कोर्स एक इस्लामिक कंट्री है। स्टेट रिलीजन यहाँ पे है इस्लाम, और इसकी राजधानी है मस्कट। करेंसी है इनकी रियाल, RIAL। अगर आपके पास एक रियाल है तो मतलब आप उसके बदले में 185 इंडियन रुपीस प्राप्त कर सकते हैं। ये दिसंबर 2019 का एक्सचेंज रेट है। आगे आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकता है अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं। नाउ, ओमान को आप अगर देखो तो इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ईरान के भी करीब है, पर्शियन गल्फ के करीब है, और ऑफ कोर्स गल्फ ऑफ ओमान तो इसके बिल्कुल साथ में ही है। और यहाँ पे आप देखोगे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन पार्ट्स हैं। एक तो जो मेन पार्ट है ओमान का यहाँ पे है, ठीक है, और ओमान की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आपको इस एरिया में मिलेगी, यहाँ पे मस्कट के आसपास। ये जो पार्ट है ज़्यादातर कम्प्लीटली बैरन है, यहाँ पे रेगिस्तान। इनका एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है सलाला, जो आपको यहाँ पर मिलेगा, मगर प्राइमरली ओमान की आबादी आपको इस एरिया के आसपास मिलेगी। फिर आप देखोगे यहाँ पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, और यूएई की जो ज़मीन है ना यहाँ पे, इस पर ओमान के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक तो ये एनक्लेव है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पार्ट है ये बिलोंग करता है ओमान को, जबकि आप अगर दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये यूएई का पार्ट है, मगर इस पार्ट के अंदर एक और जो ये पार्ट है नावा का, ये यूएई को बिलोंग करता है। तो दो एनक्लेव हैं एक के अंदर एक, और इसी वजह से आज के टाइम में आप देखोगे कि ओमान और यूएई में बॉर्डर से काफ़ी हद तक फ्री मूवमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया नेपाल जैसा इशू है, मगर काफ़ी ज़्यादा फ्री मूवमेंट है, क्योंकि लोग एक दूसरे के एनक्लेव में रहते हैं। और ओमान का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर भी है, जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज के पास है। इसी पार्ट की वजह से आज के टाइम में ओमान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉर बोथ यूएसए एंड चाइना, क्योंकि ओमान का जो खसाब पोर्ट है यहाँ पे आप देखोगे, ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है खसाब का, और यहाँ पे इनका एक बंदरगाह है। यहाँ पे अगर कोई भी कंट्री अपनी नेवी की वॉरशिप्स डिप्लॉय कर ले तो वो बहुत ही आसानी से स्ट्रेट ऑफ हरमूज को चोक करके जो ऑयल का फ्लो है, जो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इंपोर्ट्स हो रहे हैं, इनको कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकती है। ऑफकोर्स उसमें उनको ईरान को भी पहले चैलेंज करना होगा। नाउ, अगर हम बात करें आबादी की, तो ओमान की टोटल आबादी है 50 लाख, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इनकी आबादी करीब 90 लाख के आसपास है, और ये इनसे काफ़ी साइज में छोटा है। और जो इनकी 50 लाख की आबादी है, इसमें से 20 लाख के आसपास, लिटरली आप कह सकते हैं 40 से लेकर 45% की जो इनकी आबादी है ये एक्सपैट्रिएट्स की है, मतलब के जो लोग ओमान के नेटिव्स नहीं हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, प्राइमरली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को, जॉर्डन और द फिलिपीन। नाउ, सिंस वेरियस कंट्रीज के लोग यहाँ पे ओमान में आके बसे, तो ये अपने साथ अपना रिलीजन, अपना कल्चर, अपनी क्यूजीन भी लेके आए। तो इसलिए ओमान आज के समय आप अगर देखो तो रिलीजन के मामले में बाकी गल्फ कंट्री से कुछ हद तक लिबरल दिखता है।
इंडिया जैसा नहीं है काफी ओपन सोसाइटी, मगर गल्फ कंट्रीज के हिसाब से ओमान आपको रिफ्रेशिंगली लिबरल दिखेगा, क्योंकि इनकी जो टोटल आबादी है इसमें से 8 से लेकर 10 लाख लोग तो आए हैं इंडिया से। इसमें जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। फिर आप देखो द फिलीपींस को, फिलीपींस एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो यहाँ से जो लोग आए एक्सपैट्रिएट्स आए हैं ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, इसलिए ओमान में आज के समय आपको गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च तीनों मिलेंगे। और ओमान की जो पॉपुलेशन है ये एक्सप्लोड करी है एक्चुअली पिछले 9 साल में, एक्चुअली 10 साल आप कह सकते हैं। 1993 में आप अगर देखो तो इनकी टोटल आबादी थी सिर्फ 20 लाख के आसपास, इसमें 73% ओमान की जो नेटिव पॉपुलेशन है एक्सपैट्रिएट, इसमें थे सिर्फ 26%। यहाँ पे मेजर चेंज आया 2010 में जब इन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसीज लिबरलाइज करी और ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ काम पर बुलाया। तब से लेकर आप अगर देखो तो 2010 में इनकी आबादी थी 27 लाख और 2019 में ये करीब 50 लाख के आसपास हो गई। और ओमान में जो कानून है, हालांकि ये शरीयत पर बेस्ड है और उसके अलावा यहाँ पे जो स्टेट रिलीजन है ये इस्लाम है, मगर ये प्रोहिबिट करते हैं किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि रिलीजन के नाम पर भेदभाव यहाँ पर मना है। हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने रिचुअल्स, अपने टाइप की वर्शिप करने की आज़ादी है। हाँ ये है, ये ओपनली नहीं कर सकते ज़्यादा और ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओमान में टोटल आपको 4 टेम्परेरी गुरुद्वारास मिलेंगे, हालांकि ज़्यादातर ये लेबर कैंप्स में हैं। अब बात की जा रही है कि शायद 2020-21 के आसपास ओमान में एक भव्य गुरुद्वारा बनेगा। टेंपल्स की अगर हम बात करें तो ओमान में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं, उनमें से एक मंदिर है शिव मंदिर, जिसको कहा जाता है मोतीश्वर मंदिर भी। ये कहा जाता है कि करीब 110 से लेकर 125 साल पुराना है। ये आपको मिलेगा यहाँ पर सीब एयरपोर्ट के पास और इसकी बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। ये जो सुल्तान है ओमान के, उनके पैलेस के बहुत ज़्यादा करीब है। इसे आज से कई साल पहले जो गुजराती कम्युनिटी थी, जो गुजरात से यहाँ पे माइग्रेट किए थे लोग, उन्होंने बनाया था। रिसेंटली 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ओमान में गए तो उस वक्त उन्होंने इस मोतीश्वर मंदिर को भी विजिट किया था। और आने वाले समय में बात की जा रही है कि जिस तरीके से यूएई में एक भव्य मंदिर बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली ओमान में भी एक ज्यादा बड़ा मंदिर बनने वाला है। उसकी लोकेशन अभी के लिए डिसाइड नहीं की गई है, मगर वर्क इज इन प्रोग्रेस। सो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि ओमान एक काफी शाइनिंग एग्जाम्पल है एक प्लुरलिस्टिक कम्युनिटी का गल्फ रीजन में। नाउ ओमान एज ए कंट्री आप अगर देखो तो मैं कहूँगा काफ़ी इन्फ्लुएंशियल देश है। ओमान मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, अरब लीग का, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी ये पार्ट है और ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का तो ये पार्ट है ही। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं कि ओमान ओपेक का पार्ट नहीं है। इवन तो ओमान की आप अगर लोकेशन देखो तो लोकेशन में आप कह सकते हैं ठीक है सऊदी अरेबिया, यूएई के पास कंट्री है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ओपेक का पार्ट होगा, मगर नहीं। ओमान के जो ऑयल रिजर्व्स हैं ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर से बहुत हद तक कम है। यहाँ पे आप देखोगे ये ऑयल प्रोडक्शन का डेटा है, अगर सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस करता है 11 मिलियन बैरल्स पर डे तो ओमान 1 मिलियन बैरल्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इस वजह से यहाँ पे ऑयल का एक्सपोर्ट लिमिटेड है। ऑयल से ये देश कमाता तो है मगर इनकी इनकम काफी तक लिमिटेड है क्योंकि ऑयल के ज्यादा रिजर्व्स यहाँ पर है नहीं। इस वजह से आप अगर ओमान के शहर देखेंगे तो आपको वो सऊदी अरेबिया के शहर या फिर यूएई के जो शहर है उससे काफी डिफरेंट दिखेंगे। यहाँ पे आपको स्काईलाइन नहीं दिखेगी, ज्यादातर जो आर्किटेक्चर है वो एक मिडिल इनकम कंट्री जैसी दिखती है। इवन दो इनकी जो पर कैपिटा इनकम है ये $40,000 के आसपास है, तो ओमान ये जानता है कि इवेंचुअली इनको सऊदी अरेबिया की तरह अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी होगी अगर ये चाहते हैं अपने हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स ये हमेशा मेंटेन करें। इसके लिए इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज की कोऑपरेशन इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से आप देखते हैं कि ओमान काफ़ी फ्रेंडली है टुवर्ड्स इंडिया। नाउ ओमान के पास ऑयल के रिजर्व्स तो हैं मगर मैं कहूँगा इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट ये भी है इनकी कोस्ट लाइन। वहाँ पे इनके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हैं, 2 इंडस्ट्रियल पोर्ट भी हैं मगर सी पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो डकम पोर्ट है जो मैंने आपको दिखा दिया, फिर है कसाब पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के पास, फिर है सलाला पोर्ट। सलाला पोर्ट सलाला जो शहर है वहाँ पे आपको मिलेगा। ये जो तीनों पोर्ट हैं ये आज के समय पूरे गल्फ रीजन का बहुत सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट संभालते हैं। इंडियन नेवी को रिसेंटली एक्सेस दिया गया था अल डकम पोर्ट का, जिससे इंडिया को रीजन में काफ़ी एडवांटेज मिलता है। अल डकम पोर्ट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये मस्कट और सलाला से काफ़ी दूर है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा है। इससे हमको मेन एडवांटेज ये मिलता है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे
हम नजर रख सकते हैं, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में आपको पता होगा चाइना ने सबमरीन्स और नेवल शिप्स डॉक करनी स्टार्ट कर दी है। नाउ ओमान की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ओमान हमेशा से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक हम्बल देश नहीं था। हिस्ट्री में आप अगर देखो तो ओमानी एम्पायर एक पावरफुल मैरिटाइम एम्पायर था जो अपने रीजन में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता था। ओमानी एम्पायर का बंटवारा हुआ 1856 में सिबलिंग राइवलरी की वजह से। दो भाई थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, तो उनके जो पिता थे उन्होंने दो सल्तनत बांट दी, एक अफ्रीकन सेक्शन और दूसरा गल्फ सेक्शन। उसके बाद से कभी भी ये एम्पायर उतना स्ट्रांग रहा नहीं और धीरे धीरे ये अपनी पावर खोता रहा और इसका जो रीजन है काफ़ी हद तक सीमित रह गया। ये आपके सामने बहुत अच्छा एक मैप है ओमानी एम्पायर का। तो 1950 से पहले ओमानी एम्पायर जब अपनी पीक पे था तो कुछ हद तक ऐसा रहा। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने ईरान का बहुत बड़ा रीजन कैप्चर कर रखा था, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है उसका भी कुछ रीजन इनके अंडर था। फिर यहाँ पे आप देखोगे सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जो सारा पार्ट था ये एक्चुअली ओमानी एम्पायर के अंडर आता था। और ना सिर्फ ये, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास, ये सब कंट्रीज एक टाइम पे ओमानी एम्पायर का पार्ट थी। आज के समय आप ओमान को देखो तो आप कह सकते हैं ये एक टाइप का स्विट्जरलैंड है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। इसलिए नहीं क्योंकि काफ़ी अमीर है या फिर इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इसलिए क्योंकि ओमान काफ़ी बार एक मीडिएटर का रोल निभाता है। अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को किसी कंट्री के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने होते हैं तो सबसे पहले ओमान उस कंट्री के साथ एंगेजमेंट स्टार्ट करता है। आपको याद होगा या नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ, 2018 में इसराइल के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने एक सरप्राइज विजिट की थी ओमान की। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है द टेलीग्राफ का, इसराइल्स नेतन्याहू पे सरप्राइज विजिट टू ओमान, फर्स्ट सच ट्रिप सिंस 1996। तो आज के समय जो बात चल रही है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूएई जिसमें शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, धीरे धीरे ये इसराइल के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करेंगे और एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट आज के समय ओमान में बन रहा है। ओमान के सिवा कोई भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का देश आपको इस तरीके से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात करता हुआ नहीं दिखेगा। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ओमान के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।